खतरनाक भाई, ऐसे एरिया से भी ये गाड़ी निकल सकती है भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अजमल और आज हम आए हुए हैं एम जी ग्लॉस्टर का 4x4, मतलब डेजर्ट सफारी टाइप के ट्रेन पे चेक करने के लिए। भाई ये गाड़ी 4x4 में कैपेबल है कि नहीं, और बहुत सारा जो है यहाँ पे क्राउड भी अवेलेबल है। तो चलिए अभी चलते हैं भाई, हमारा नंबर आया तो फिर हम लेके चलते हैं, आप लोगों को दिखा देंगे भाई ग्लॉस्टर 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए कैपेबल है कि नहीं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए यहाँ पे है ग्लॉस्टर 4x4 और इसका व्हील देखिए, एक व्हील जो है एयर में है पूरी तरह से, देख रहे हैं। और बहुत ही भाई भारी भरकम जो है इसका जो है टायर प्रोफाइल भी देखने को मिलता है। तो फाइनली गाइस हमारा भी नंबर आ गया है, गाड़ी को टेस्ट करते हैं भाई कैसी है, क्या कुछ जो है इसकी कैपेबिलिटी टेस्ट हो सकती है किस तरह से। और सर्फेस तो भाई बहुत ही डेंजरस बने हुए हैं, टेस्ट करने वाले भाई देखते हैं कैसी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। और मैं Hello. आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। आज एक सैंड में हम लोगों ने अच्छा सा ट्रैक बनाया है, आई होप कि आप लोग इंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम केवल अभी एक्सपीरियंस के लिए हमने बनाया है, अभी एक्सपीरियंस आपको ड्राइव एक्सपीरियंस दे रहे हैं जी जी, गाड़ी की कैपेबिलिटीज को जज करने के लिए जी जी। और अभी ड्राइविंग के लिए हम लोग कुछ और, अभी कस्टमर ड्राइविंग हम लोगों ने अलाउ नहीं किया है भाई। खतरनाक भी है ऐसे यार, किसी को ड्राइव दिया भी नहीं जा सकता है क्योंकि मैंने सर्विस देखा है, कस्टमर सर्विस और उसके लिए थोड़ा सा रिस्की है, कस्टमर सेफ्टी और व्हीकल सेफ्टी के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो होप आप लोग एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, आपको कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। और ये अभी हम फर्स्ट सरफेस से गुजरने वाले जहाँ पे ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी टेस्ट होने वाली है। बहुत ही डेंजरस सरफेस है, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट नीचे की तरफ जा रही है, देख रहे हैं। अभी शायद जो है कैमरे में जज ना कर पाओ, लेकिन जब आप रियल में एक्सपीरियंस करोगे तो शायद काफी जबरदस्त फील होने वाला है। चलिए उतरने में तो भाई काफी गाड़ियां उतर जाएंगी नीचे, लेकिन जब चढ़ने की बारी आती है ना भाई, उस टाइम पे इस गाड़ी की कैपेबिलिटी का टेस्ट होता है। और गाड़ी भी काफी ज्यादा जो है लग्जरी और काफी ज्यादा प्रीमियम है। अभी देखिए ये है इसका जो है जहाँ से ये चढ़ाई करने वाली है, और ये काफी ज्यादा हाइटेड है भाई, इतना इजी नहीं है इसको जो है चढ़ा पाना। नॉर्मल गाड़ियों के लिए भाई बहुत ही टफ काम है इस गाड़ी को। देखिए पीछे भाई इधर उधर बिल्कुल भाई, रियल में जो होता है ना, रियल में जो ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए वो ये एमजी वाले करवा रहे हैं भाई ग्लॉस्टर के साथ। सही बता रहे, मजा आ गया भाई, कैसे लगा आप लोगों को? बहुत मजा आ गया, ये हाल है देखिए। और गाड़ी भी ऐसा नहीं भाई, पावरफुल होने के साथ साथ फीचर भी बहुत ज्यादा है। इसका राइवल आपने देखा होगा कि फॉर्च्यूनर को कहते हैं, लेकिन भाई फॉर्च्यूनर में जो इस गाड़ी में फीचर मिलते हैं वो फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते हैं भाई। नो डाउट फॉर्च्यूनर भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर इस गाड़ी की बात करेंगे तो भाई इस गाड़ी में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो आपको जो है काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते हैं। और रही बात ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी की, तो वो आपको हम अभी फिलहाल दिखा ही रहे हैं कि आप इस गाड़ी से बहुत ही आसानी से जो है हिली एरिया से या कहीं भी कोई जो है डाउन या अप एरियाज हो जहाँ से गाड़ी को लेके जाना हो, आसानी से आप ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको सर्विस दिखा नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही डाउन सरफेस है यहाँ पे भी, गाड़ी के साथ देखो आप लिटरली बिल्कुल गाड़ी खड़ी हो गई, ये बिल्कुल ये हाल है। देखो ये गाड़ी जो है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता ना, मुझे लगता है शायद जो है ये अभी सीट बेल्ट का कमाल है। हील होल्ड असिस्ट देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इस गाड़ी का काम कर रहा है। अभी इसका लाइव एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे जो है ना, ऐसे लग रहा है कि वो 90 डिग्री टाइप का जो जैसे खड़ी हो जाती है, बिल्कुल खड़ी हो गई थी ये गाड़ी। और यहाँ पे ये हील होल्ड असिस्ट का जो फीचर है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। दिया ही सिर्फ नहीं है, ये काम भी अच्छे तरीके से करता है, ये अच्छी बात है। गाड़ी के सस्पेंशन टेस्ट होंगे, कितने ज्यादा कम्फर्टेबल है। और भाई इस तरह के एरियाज से गाड़ी गुजर रही है, उसके बावजूद इसके सस्पेंशन में कोई भी इस तरह की जो है दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इसका सस्पेंशन कैसा काम कर रहा है भाई? बहुत ज्यादा अच्छा काम, अभी तक जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे आप चल रहे हो, बहुत ही इजिली आसानी के साथ से निकल जा रही है गाड़ी। आराम से यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, कितने आराम से निकल रही है गाड़ियों के ऊपर से, ज्यादा हम लोग के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है गाड़ी। मैं ये देखिए इसका सब के नीचे आराम से ऑफ रोड कर सकती है, और एक तरफ का बीज है ना वो हवा में लटक रहा है,
4x4 होने की वजह से ये गाड़ी आसानी से निकल रही है, अदरवाइज भाई नॉर्मल गाड़ी है तो इसी में फंस जाए, मतलब ये लटक जाए बिल्कुल, इस तरह की सरफेस है। अभी कौन सा टेस्ट हम लोग एक्सल बेंडिंग करने जा रहे हैं, एक्सल बेंडिंग करने जा रहे हैं, इसमें एंगल 37 डिग्रीज का है। ये हालत देखिए भाई हमारे, मैं आपको सीधा ऐसे एंगल दिखाना चाहूंगा, ये हालत देखिए, ये हालत देखो ऐसे, अभी मैं आसमान देख रहा हूँ, नीचे की नीचे का एरिया नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आसमान देख पा रहा हूँ, इतना ज्यादा टिल्ट है, एक तरफ गाड़ी इतनी ज्यादा टिल्ट है। यहाँ पे मतलब अगर सीट बेल्ट नहीं हो तो भाई बिल्कुल ही काम नहीं चल पाए, वो उस तरह का काम जो है सीट बेल्ट कर रहा है, अब सीट बेल्ट का यूज प्रॉपर तरीके से यहाँ मालूम चल रहा है। ये हाल है भाई देख रहे हैं, और इतने अच्छे तरीके से भाई परफॉर्म कर रही गाड़ी, मजा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम जो है एडवेंचर टाइप का कोई जो है ट्रिप कर रहे हैं, जो जो कि बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा, हालांकि इस तरह के हम इस तरह के गड्ढे हैं उसके बावजूद मतलब वो झटके फील नहीं हो रहे जो होने चाहिए। बाकी भाई एक दूसरी तरफ जो गाड़ी नीचे उतर रही है वो मैं दिखा दूंगा, और अभी जब एक्सल बेंडिंग कर रहे थे अभी आप देखते हैं भाई साहब मजा आ गया, सही बता रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस पड़ेगा अभी उसको देखेगा, उसको देखेगा मैं एक और सर्विस दिखा दूँ। ये देखो अभी जो है 3 फीट हवा में जाएगी गाड़ी, उसका मतलब जो पहिए है वो हवा में चलेगा, 3 फीट आगे चला जाएगा भाई साहब, ये हाल है देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा टिल्ट हो रखी है, ऐसा लग रहा है भाई झटका लगेगा पकड़ के विंडो विंडो बंद करिए, खतरनाक भाई, ये देख रहे भाई भाई हमारे आसमान में खड़े हुए, ओ शिट खतरनाक भाई, ऐसे एरिया से भी ये गाड़ी निकल सकती है भाई साहब, रख दिया इन जबरदस्त यार भाई, मजा आ गया सही बता रहे भाई, भाई आपकी ड्राइविंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है भाई, अच्छी ड्राइविंग स्किल वाले ही इस चीज को जो है कर सकते हैं, अदरवाइज भाई दूसरा आदमी तो गाड़ी को जो हमने आपको दिखाया है जी जी आप उसको फील लीजिए। इतना जबरदस्त सरफेस एमजी वालों ने यूज किया अपनी गाड़ी के लिए, मानना पड़ेगा सही बता रहे हैं, ये पहिया देखिए उसका है, इतना खतरनाक ट्रैक तो मुझे नहीं लगता किसी ने भाई, देख रहे हैं व्हील कितना ऊपर की तरफ, मानना पड़ेगा इस गाड़ी का बहुत ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे काम करते हुए इस गाड़ी का पूरे अच्छे तरीके से, ये गाड़ी भाई पूरी ओहो माय गॉड खतरनाक भाई, मजा आ गया सही में यार भाई, पूरी तरह से जो होना चाहिए ना एक्चुअल में जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी टेस्ट होना चाहिए ना वो एमजी वालों ने किया है, कोई भी चीटिंग नहीं है, एकदम प्रॉपर जो है एक्चुअल टेस्ट जो होता है ना ऑपरेटिंग का वो इन्होंने करके दिया भाई, मजा आ गया सही बता रहे हैं, हम लोग तो आगे ज्यादा टाइम यहाँ पे आसमान ही देख रहे हैं भाई साहब, खतरनाक सरफेस का यूज किया है इन्होंने, वाकई में काबिले तारीफ है भाई ये गाड़ी की कैपेबिलिटी ना भाई, ये देख रहे हैं भाई किस तरह से भाई, मतलब हम लोग साइड में भाई, ये देखो भाई साइड में आ जाओ, ये देखो अपने आप जो है पीछे की तरफ जा रहा हूँ, क्या हालत है यार भाई, ऐसे सिचुएशन में भी इतनी प्रॉपर तरीके से गाड़ी जो है परफॉर्म कर रही है भाई, मजा आ गया सही बता रहे हैं भाई, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस तो भाई अनबिलीवेबल था सही बता रहे हैं, मजा आ गया इस गाड़ी का एक्सपीरियंस करके, वाकई में जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी इसकी है ना वो बिल्कुल नंबर देने की बात करें भाई 100% जो है ये आउट ऑफ 10 बिल्कुल भाई, आप सोशल मीडिया पे होडो एक्सपीडिशन को जरूर टैग कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल होडो एक्सपीडिशन, ओके भैया थैंक यू भैया भाई, बहुत जबरदस्त यार भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, वाकई में भाई हर आदमी लिटरली फैन टाइप का हो गया भाई, क्या अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे रही है ये गाड़ी भाई, मजा आ गया भाई, अगर आप लखनऊ से हो तो जो है हमारे भाई यहाँ एमजी से हैं, अगर आप गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं या किसी भी गाड़ी का, चाहे ग्लोस्टर हो चाहे एमजी हेक्टर हो या हेक्टर प्लस, जो भी गाड़ियाँ हैं जितनी भी गाड़ियाँ एमजी की उन तमाम गाड़ियों को आप जो है टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, भाई का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, हमारे भाई जो है एमजी से ही है चिकन के शुरू में लखनऊ में, थैंक यू भैया।